उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने विकास खंड फतेहपुर के कार्यालय में पंचायत प्रधानों, सचिवों और रोजगार सेवकों की बैठक के दौरान कहा कि जिन पंचायतों में प्रधान के पति की दखल अंदाजी के मामले सामने आए हैं उनकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि मामलों में एक माह के अंदर निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने विकास खंड फतेहपुर के पंचायत कार्यालय में पंचायत प्रधानों, सचिवों व रोजगार सेवकों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और विकास कार्यों में तेजी लाने व ईमानदारी से कार्य करने के साथ साथ चल रहे विकास कार्यों पर पूर्णता पारदर्शिता बरतने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जिन पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है उसमें तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी पंचायत प्रधानों को अपनी अपनी पंचायतों में नशे पर लगाम लगाने के भी आदेश दिए। इलाकों में जो हमारे लोअर नड़ा का बेल्ट है इसमें जो ड्रग्स की समस्या है वो काफ़ी बढ़ रही है। इसमें मैंने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग मंगाया, खास करके उनको ये आग्रह किया गया कि हर पंचायत में विकसित हो, खेल के मैदान में निर्माण करें ताकि हमारे जो लोकमंडल हैं उनको जोड़ा जा सके और नशे से थोड़ा सा दूर ले जाया जा सके। साथ ही जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनकी भी बैठक हुई है और उनको ये आदेश दिया गया है जो काम लंबे पड़े हुए हैं उनमें थोड़ा तेजी लाया जाए और पंचायत के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो बैठक किया जाए, एम्बुलेंस बैठक किया जाए ताकि जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य हैं सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं वो पूरे समय पर पूरे हो। वहीं पंचायत प्रधानों ने पंचायतों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाने की मांग की। पंचायत प्रधानों ने कहा कि पंचायत कार्यालयों से कर्मचारी गायब होते हैं। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।